भाई जब बात चाहे इंग्लिश की राइटिंग की हो या हिंदी की या फिर किसी भी लैंग्वेज की, अगर वो राइटिंग सुंदर नहीं होती है तो वो दिखने में काफी अजीब सा लगता है। हम सब अपनी गंदी राइटिंग की वजह से परेशान हो चुके हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, पर ना तो राइटिंग अच्छी होती है और ना ही हमें इसका कोई सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग को कैसे सही कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप इंग्लिश की राइटिंग तो सही कर पाओगे ही और साथ में आप किसी भी लैंग्वेज की राइटिंग को सही कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें, ताकि मैं इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप देख सको। तो गाइस, 10 सीक्रेट टिप्स जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब उस बच्चे का नाम रोहित था। रोहित की राइटिंग खराब तो थी, लेकिन वो पढ़ने में भी बहुत कमजोर था। वो जब भी टेस्ट एग्जाम देता था तो उसका मार्क्स बहुत कम आता था, तो टीचर उसका सबके सामने मजाक उड़ाते थे। और जितने भी तेज बच्चे थे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, वो सब भी रोहित का बहुत मजाक उड़ाते थे। ये सब देखकर रोहित को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर दो लोग ईंट को जैसे तैसे गाड़ी में रख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि दो लोग और जो उसी काम को सही तरीके से कर रहे हैं। फिर रोहित को ये बात समझ आ गई कि मेहनत दोनों कर रहे हैं, पर जो सही तरीके से कर रहा है उसका किया हुआ काम देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव एंड सही लग रहा है। फिर रोहित उसी दिन से सही तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस करते करते फाइनल एग्जाम का टाइम आ जाता है। फिर रोहित एग्जाम भी देता है। जब उसके रिजल्ट आते हैं तो टीचर से लेकर बाकी बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रोहित पूरे स्कूल में टॉप करता है। और जिस टीचर ने उसका मजाक उड़ाया था वो रोहित का तारीफ करने लगते हैं। तो गाइस, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, अगर हम किसी भी काम को हर रोज सही तरीके से करेंगे तो हम उस काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो गाइस, चलिए इसी 10 टिप्स को जानते हैं जिसे रोहित की राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी, और ये सारे टिप्स फॉलो करने के बाद आपकी भी राइटिंग बहुत ही बेटर हो जाएगी। स्टेप नंबर 1, बॉडी पोस्चर। गाइज, हमने कई सारी वीडियो में बताया है कि हमारी अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हमारा बॉडी का पोस्चर कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर आप गलत तरीके से बैठकर लिखते हैं तो इसका इफेक्ट आपकी राइटिंग पर भी पड़ता है। इसलिए आपको ये देखना है कि आपके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से बैठकर लिखने में कम्फर्टेबल है, क्योंकि लिखते वक्त सबके लिए बड़ी पोस्चर अलग अलग हो सकती है। स्टेप नंबर 2, चूज राइट पेन। गाइज, अभी के टाइम में मार्केट में हजारों तरह के पेन है और सबके अपने अपने डिजाइन है। इसमें हम सोचते हैं कि जितना महंगा पेन होगा हमारी राइटिंग उतनी ही अच्छी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेन हमेशा ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसे पकड़ने के बाद आपको ये फील हो कि आप इसे सही तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप जो पेन हमेशा यूज करते हैं उसी पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार पेन चेंज करने से भी आपकी राइटिंग खराब हो सकती है। स्टेप नंबर 3, मेंटेन ए रिलैक्स ग्रिप। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने ग्रिप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्रिप होते क्या है। तो गाइज, इनका सिंपल सा डिफिनेशन है कि आप पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं, यही इसका डिफिनेशन है। तो जब भी लिखने के लिए बैठें तो हर 4 से 5 मिनट बाद ये जरूर ध्यान दें कि क्या आपने पेन को सही तरीके से पकड़ा है या नहीं। आपको अपने पेन को ना तो ज्यादा टाइट पकड़ना है और ना ज्यादा लूज पकड़ना है, यानी कि नहीं आपको ज्यादा हल्का पकड़ना है और ना ही उसको एकदम टाइट पकड़ना है। आपको अपने पेन को कम्फर्ट के अकॉर्डिंग पकड़ना है। स्टेप नंबर 4, राइट ऑन ए स्टेबल सरफेस। आपको लिखते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका सरफेस स्टेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक नोटबुक पे लिख रहे हो और जिस टेबल पे नोटबुक को रखे हो वो अगर हिल रहा है तो आपकी राइटिंग खराब हो सकती है। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका सरफेस हमेशा स्टेबल होना चाहिए। स्टेप नंबर 5, हाइलाइट्स लेटर। गाइज, जब भी आप एक पेज लिख ले तो ऊपर से हर वर्ड में वैसे लेटर को हाईलाइट करते जाना जो आप सही से नहीं लिख रहे हो, और फिर आप उस लेटर का अलग से प्रैक्टिस करें। स्टेप नंबर 6,
कॉपी हैंडराइटिंग। आपको जैसा हैंडराइटिंग चाहिए उस तरह की राइटिंग को आप देखकर लिखना शुरू करें। एक बुक लें और उसके पैराग्राफ को उसी के जैसा लिखने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी। स्टेप नंबर 7, वर्ड प्रैक्टिस। आपको अपने वर्ड को बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा नहीं लिखना है। ऐसा करने से आपकी राइटिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी आपकी राइटिंग में एक लेटर बड़ा तो एक लेटर छोटा हो जाता है, जिससे आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्टेप नंबर 8, राइट डेली मिनिमम 20 मिनट। गाइज, आपको डेली कम से कम 20 मिनट तो जरूर लिखना है और आपको आराम आराम से लिखना है। इससे आपकी राइटिंग धीरे धीरे करके बहुत बेटर हो जाएगी। स्टेप नंबर 9, कीप प्रैक्टिस। गाइज, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इतना लिखने के बाद भी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। लेकिन गाइज, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। स्टेप नंबर 10, आपको कभी भी अपनी राइटिंग को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि गाइज सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। आप अपने राइटिंग को अपने तरीके से लिखें, लेकिन अपने तरीके से उसे बेटर बनाने की कोशिश करें। तो गाइज, ये है 10 ऐसे टिप्स जिसे रोहित की राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अगर आप भी इसे डेली फॉलो करेंगे तो आपकी भी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आप अभी किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर करना जिनकी राइटिंग बहुत खराब है।